संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कई सवाल उठाए हैं, जिसका विभागीय मंत्री ने जवाब दिया। पहला सप्लीमेंटरी पूछिए दीपक जी। मान्य दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC से गाइडलाइन से उनके द्वारा नियंत्रित जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है वो श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में दुगनी ब्याज ली जाती है उनके द्वारा। बैंक जब हाउसिंग को लोन देती है तो उसी का पैसा तो कम इंटरेस्ट में दे सकती है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है और वो लेंडिंग करती है, लोन पे लेती है, और वो लोन जब देते हैं तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। सर कौन सा सेक्शन है सर, और कौन सा वो बिजनेस क्लास है जो बिजनेस करते हैं, जो राष्ट्रीय कृत बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उससे होम लोन लेने में उसको थोड़ी परेशानी होती है, वो योग्य नहीं रहता है, तो जिस कारण से उनको उनके पास जाकर के विवश के मजबूरी के कारण ब्याज लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या सरकार कोई वित्तीय संस्थाओं को जो इस प्रकार से जो RBI के द्वारा संचालित नेशनल बैंक है उसको हम कैसे प्रमोट करके किस प्रकार से उन लोगों को लोन दिलाने में हम सफल हो सकते हैं क्या? और हाउसिंग फाइनेंस जब कंपनीज जो लोन देते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस है जो बोर्ड में डिसीजन लेके हाउसिंग फाइनेंस के उसके ऊपर ये देना पड़ता है, और अगर समझो ये हाउसिंग फाइनेंस कंट्रोल अगर नहीं कर सक रहे कंपनीज तो उसमें ग्रीवेंसेस कंपनी से जा सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।